हाउ टू फिक्स फन रेस 3D गेम नॉट वर्किंग प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने फन रेस 3D का ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू फिक्स फन रेस 3D गेम नॉट वर्किंग प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे फन रेस 3D गेम, यदि आपका यहाँ में काम करना बंद कर दिया तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आज मैं आपको यहाँ में बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ में क्या होता है, आपका फन रेस 3D गेम जो है वो यहाँ में कभी कभी काम करना बंद कर देता है, क्योंकि आपका यहाँ में अपडेट जो है नहीं हो पाता है। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको यहाँ में 3-4 सॉल्यूशन बताऊंगा, जिससे कि आपका ये प्रॉब्लम चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ में जाना है प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में जाने के बाद आप यहाँ में सर्च कीजिए फन रेस 3D। तो यहाँ में आप देख सकते हैं फन रेस 3D, आजकल ये गेम दोस्तों बहुत चल रहा है, आज अभी इंडिया में ही तो ये गेम बहुत चल रहा है। ठीक है, तो आप भी इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। तो यहाँ में दोस्तों आप देख सकते हैं फन रेस 3D आ चुका है। अभी आपको यहाँ में ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको इसका अपडेट जो है कर देना है। ठीक है, ये गेम जब अपडेट नहीं होता है, क्योंकि ये रनिंग गेम है, तो इसीलिए आपको यहाँ में और प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आपका हैंग होने से आपको यहाँ में अच्छे से खेल नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप अपडेट कीजिएगा। अपडेट नहीं होने की वजह से यहाँ में आपका ऐप जो है काम करना बंद कर देता है और अच्छे से आपके रैम पर जो है रन नहीं करते। ठीक है, तो ये मिसबिहेव करने लग जाते हैं, इसीलिए आपको यहाँ में ये सारा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और कभी कभी तो यहाँ में आप जब गेम पर एंटर करोगे तब आपको यहाँ में किकआउट कर देते हैं गेम से। ठीक है, तो इसीलिए आपको यहाँ में अपडेट करना जरूरी है। अपडेट कीजिए, अपडेट करने के बाद आप देख लीजिएगा आपका यहाँ में प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपका प्रॉब्लम यहाँ में सॉल्व हो गया है तो ठीक है, और आपका यहाँ में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता है तो आपको यहाँ में वीडियो को देखते रहना है, मैं आपको और सोल्यूशन यहाँ में बताऊँगा। ठीक है, तो इसको हम बैक कर देते हैं। तो इसे बैक करने के बाद आपको यहाँ में स्लाइड डाउन करके अपने सेटिंग्स पर चले जाना है। सेटिंग्स में आइए दोस्तों, अभी आपको यहाँ में स्क्रॉल डाउन करके नीचे में आ जाना है। ठीक है, नीचे आइए, आपको यहाँ में मिलेगा मैनेज ऐप्स, तो सिंपली इसे ओपन कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ में आप देख लीजिएगा आपका मैनेज ऐप्स के जगह पर आपके फ़ोन पे एप्लीकेशन मैनेजर या तो फिर इंस्टॉल ऐप करके हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ में कन्फ्यूज मत होइए, क्योंकि ये अपने एंड्रॉयड फ़ोन जो है उसके ऊपर में डिपेंड है। तो दोस्तों यहाँ में ओपन होने के बाद आपको यहाँ में सर्च करना है फन रेस 3D। तो यहाँ में दोस्तों आपको मिल जाएगा ऐप पर, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ में फन रेस 3D जो है आ चुका है। ठीक है, और यदि आपका यहाँ में फन रेस 3D बहुत सारा प्रॉब्लम्स दे रहा है और आपका यहाँ में गेम ओपन नहीं हो पा रहा है, या तो फिर आपका यहाँ में गेम काम करना बंद कर दिया, तो अभी इस प्रॉब्लम को यहाँ में सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इसको यहाँ में फोर्स स्टॉप कर देना है। ठीक है, तो फोर्स स्टॉप यदि आपका यहाँ में दोस्तों आपका फोर्स स्टॉप अवेलेबल रहता है तो आपको इसे फोर्स स्टॉप जरूर कर देना है। फोर्स स्टॉप करने के बाद आपको यहाँ में जाना है क्लियर ऑल डाटा में। क्लियर ऑल डाटा में जाइए और उसके बाद इसका डाटा जो है यहाँ से क्लियर कर देना होगा। ठीक है, आपका यहाँ में गेम लॉस हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ में खेलने में दिक्कत आ जाने के बाद तो आपको ये करना ही पड़ेगा। आपको यहाँ में ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपको करना है ऐप परमिशन पर जाके यहाँ में कुछ सेटिंग कर लेना है। ठीक है, आपका दोस्तों यहाँ में देख सकते हैं आपका लोकेशन जो है यहाँ में ऑफ है, तो आप चाहे तो इसे ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे ऑफ नहीं करेगा तो ये भी चल जाएगा, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ में यदि और सारा यहाँ में परमिशन शो हो जाता है आपके फ़ोन पर, तो आपको वो सब परमिशन यहाँ में इनेबल करना है। ठीक है, यहाँ में परमिशन इनेबल नहीं रहने से भी कभी कभी आपका ये सब प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ जाता है। आप यहाँ में दोस्तों आप परमिशन को ओपन कीजिए, उसके बाद आपको यहाँ में फ़ोन जो है उसे एक दफ़ा रिस्टार्ट कर देना है। फ़ोन को रिस्टार्ट कीजिए। फ़ोन रिस्टार्ट करने के बाद आप देख लीजिएगा आपका यहाँ में प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा आपके फन रेस 3D गेम पर, और आपका यहाँ में जो है प्रॉब्लम भी फिक्स हो चुका है, हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है दोस्तों आप अपने प्रॉब्लम को फिक्स कर लीजिएगा। और दोस्तों यदि ये करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता है तो आपको क्या करना है, आपको बैक कर देना है। और बैक करने के बाद आप यहाँ में एक बार सेटिंग्स में आ जाइए, उसके बाद जाइए अबाउट फोन में। ठीक है, अबाउट फोन में जाइए, सिस्टम अपडेट में जाइए, और दोस्तों इसके वजह से भी आपके ये गेम पर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ठीक है, तो आ सकते हैं यहाँ से भी प्रॉब्लम्स, इसीलिए आपको यहाँ में क्या करना होगा दोस्तों, आपका वर्जन जो है फ़ोन का उसे भी अपडेट कर देना है। तो दोस्तों यहाँ में अपडेट नहीं करने की वजह से आपको बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, क्योंकि आपका मोबाइल वर्जन जो है वो पुराना हो जाता है। ठीक है, तो पुराना हो जाने के वजह से आपका यहाँ में गेम जो है अच्छे से रन नहीं कर पाते, इसीलिए आपका यहाँ में गेम जो है वो काम करना बंद कर देते हैं। इस तो
अब आपने जो है एंड्रॉयड वर्जन उससे अपडेट कीजिए। अपडेट करने के बाद फ़ोन को एक दफ़ा रिस्टार्ट कीजिएगा और रिस्टार्ट करने के बाद आप देख लीजिए आपका प्रॉब्लम यहाँ में जरूर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है आपका प्रॉब्लम यहाँ में सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करें आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।